अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। हाई वेलकम बैक टू माई वीडियो एंड चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो ताकि मेरी ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन को ओवरकम करना पॉसिबल है। वी कैन डू दिस, इन फैक्ट वी आर टूगेदर इन दिस, सो स्टे पॉजिटिव, हम इससे बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स इलनेस है जो पर्सन टू पर्सन जिसके इफेक्ट वेरी करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो इट्स सिम्टम्स एंड वार्निंग साइन सो दैट हम टाइम से अपनी या अपने किसी नोन की हेल्प कर पाए, उन्हें सही से गाइड कर पाए। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, नंबर वन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये जो डिप्रेशन है ना, ये हमारा इंटरेस्ट छीन लेती है। जिन चीज़ों को करने में हम इंजॉय करते हैं या हमें अच्छा लगता है, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर टू, एंजाइटी। डिप्रेशन से हमें एंजाइटी हो जाए ऐसा नहीं है, ये दोनों कंडीशन साथ में ही होती है। और एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे नर्वसनेस, हार्ट बीट फास्ट होना या फिर हैवी स्वेट। एंड अगेन इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर आपको एंजाइटी रिलेटेड कोई सिम्टम्स या उसके टिप्स चाहिए तो उसकी भी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप इस वीडियो के एंड में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। नंबर थ्री, अनकंट्रोलेबल इमोशंस। एक मिनट में गुस्सा और अगले ही मिनट में वी फील लाइक क्राइंग, और ये चेंजेस टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। इसमें इमोशंस में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे और डिप्रेशन की वजह से मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। नंबर फोर, फीलिंग होपलेस। मूड डिसऑर्डर होने लगते हैं जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ अफेक्ट होती है। हम होपलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ के लिए, हमें कोई उम्मीद नहीं रह जाती कि कुछ अच्छा भी हमारी लाइफ में या हमारे साथ हो सकता है। कभी कभी खुद में ही वर्थलेस, सेल्फ हेट जैसी फीलिंग आने लगती है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन ओवरकम डिप्रेशन इन 5 मिनट्स डेली। फर्स्ट, आस्क फॉर हेल्प एंड स्टे कनेक्टेड टू योर क्लोज वंस। इस टाइम पर किसी से बात करना या हेल्प लेना टफ लगता है, बट फिर भी हमें ये करना पड़ेगा सिर्फ अपने लिए, क्योंकि अपने लोगों से हेल्प लेकर, उनका सपोर्ट लेकर हम इस सिचुएशन से जल्दी ही कॉप अप कर पाएंगे। ऐसा भी जरूर होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से पहले शर्म करेंगे, हेजिटेट करेंगे, लेकिन फिर भी हम तो कोशिश करते रहेंगे और इससे फाइट करेंगे। अपने आप को सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जो हमारे क्लोज हैं। सेकंड, एक्सरसाइज एंड ईट राइट। डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज हमारे मूड को अच्छा करती है। ये ब्रेन सेल्स को एक्टिव करके हमारे स्ट्रेस को कम करने में हमारी हेल्प करती है। ऑल्सो अपनी डाइट पर फोकस करना है कि हम क्या फूड इनटेक कर रहे हैं, क्योंकि फूड इन्फ्लुएंस अवर मूड। मोर कार्ब्स, जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक हमारे डिप्रेशन फेज को और खराब कर देती हैं। नंबर थ्री, डू समथिंग यू एंजॉय। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, बट इस टाइम पर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को फोर्स करें टू डू समथिंग विच वी रियली लव टू डू। कुछ भी करो जिसको करके अच्छा फील हो या खुशी मिले, लाइक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। एंगेज योर सेल्फ इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज जो आपके मूड और एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करें। एंड द लास्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एज आई ऑलवेज सजेस्ट टू टॉक पॉजिटिव विद योरसेल्फ। हमारी आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी व्हेन वी रिप्लेस अवर नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव वन। ट्रस्ट मी, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गुड टेक्निक टू प्रैक्टिस। और इस टेक्निक की प्रैक्टिस करके हम नॉट ओनली डिप्रेशन बट किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निक हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने में हमारी हेल्प करेगी। हाउ वी परसीव थिंग अराउंड अस, इसमें भी हमारी हेल्प करेगी। तो ये थे कुछ हेल्पफुल टिप्स टू ओवरकम डिप्रेशन। अगर इसको लेकर आपके पास कोई टिप्स या ओपिनियन मुझसे शेयर करने के लिए हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी डेली मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करती हूँ, आप चाहो तो वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है।